मेरे को नहीं अफोर्ड नहीं कर पा रहा मैं अपनी मोटरसाइकिल को। हालांकि मैं प्लेटिना चला रहा हूँ, जब 70 की एवरेज देने वाली मोटरसाइकिल मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। आज का समय इतना बेकार आ चुका है और बेरोजगार इतनी चम सीमा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता क्या सोचती है, वहीं एक तरफ एनडीए का दावा आपकी बार 400 के पार, वहीं एनडीए की बात इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 31 मार्च को इंडिया गठबंधन का जो है लोकतंत्र बचाओ महारैली दिल्ली के लाल दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ था, जिसको उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो है बहुत सारे नेता जो जेल में, जिसमें आज जो है संजय सिंह को जमानत मिली है, इसको कैसे देखते हैं? अच्छी बात है, जमानत मिल गई है जो उसको, लेकिन 6 महीने तक जेल में रहे, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ ईडी की तरफ? नहीं, आरोप तो जिसका राज है उसकी लाठी है, आरोप तो ये है। यानी कि जिसका जो सत्ता है वो, हाँ, वो किसी को भी अंदर कर दे, किसी को अंदर कर सकता है वो। आज तुम मेरे पे हावी हो, जानदार हो, मैं कमजोर हूँ, तो आप मुझे थप्पड़ मार सकते हो और मैं आपका थप्पड़ खा सकता हूँ। ये है मुल्क में बेकारी बहुत ज्यादा है, आज हर बच्चा बेरोजगार है, हर आज बैटरी वाले गाड़ी चला रहे हैं जिनको कंपनियों में रोजगार मिलता था, आज वो 10-10 रुपए की आवाज दे के बैठो फलां जगह चलो फलां जगह चलो, तो बेरोजगारी ज्यादा है। बाबा आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 76 साल की है। 76 साल की उम्र है, तजुर्बा भी आपके पास काफी होगा। आपसे जानना चाहेंगे, मनीष सिसोदिया भी करीब 1 साल उनको हो गया और आज तक जो उनपे भी कोई आरोप जो सिद्ध नहीं हुआ देखो, अभी तक नहीं हुआ सिद्ध, और बिना सिद्ध किए उनको गिरफ्तार किया गया। जब तक रंगे हाथों पकड़ो, अगर जब वो एक के बोतल एक साथ बेच रहे थे, जब तुमने क्यों नहीं पकड़ा? आज तुम्हारी पार्टी में कोई आ जाए तो उसको माफ किया जाता है, जो तुम्हारी पार्टी में नहीं आता उसको तुम जेल में डाल देते हो। अभी देखो ना, अभी देखो एक जिंदल साहब जो कांग्रेसी थे, जिन्होंने घोटाला किया बेहद, ये बीजेपी कहती थी घोटाला करने कोयले के घोटाला में, और वो बीजेपी में आ गया, उसके सारा ईडी सब माफ हो गया, उसको अपनी पार्टी में मिला दिया। ये लोगों के हालात है, बस ये मोदी मोदी कंपनियों को उठाना चाह रहे हैं, छोटी कंपनियों को गिराना चाह रहे हैं, और आज जितने भी मैच हो रहे हैं ये सब इनके ही हैं। गरीब आदमी मर रहा है क्योंकि जुए का लालच है, और इनके ही मैच हैं, यही मालिक हैं, जिसको मर्जी जिताओ जिसको मर्जी हराओ, ये लोगों का लक्षण है। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं, हाँ, कि मैच फिक्सिंग हो चुका है और जो भाजपा जो है 180 से ऊपर नहीं जाएगी, 180 में सिमट जाएगी। ये देखो जी, वो तो अपने आप को कह रही है ना कि मैं 400 से पार जाऊंगा, ये तो पब्लिक किस रोग पे जाती है, किस मोड़ पे जाती है पब्लिक, ये तो जब पता चलेगा। अभी तो जो मर्जी कह दो, जो आप मर्जी कह दो, अगर उन्होंने गुनाह किया है गुनाह साबित करो ना, गुनाह साबित तो हो नहीं रहा, अपनी कोर्ट है, अपने जज है, अपना सब कुछ है, सब उसका तंत्र मंत्र सब उनका, सब उनका है, उनकी मौज हो रही है। आज इन्होंने अयोध्या मंदिर बनाया, कोई हिसाब लेने वाला है? लाखों करोड़ों रुपए रोज चंदा इकट्ठा होता है, तुमने 2000 का नोट छापा, तुमने बंद किया, जब नोट छपते थे तो उसके बदले सोना चांदी रखा जाता था, 2000 का नोट बंद किया, वो सोना कहाँ गया, वो गोल्ड कहाँ है, किसके पास है वो गोल्ड, किसके पास है, या तो तुम्हारे पास है, रिजर्व बैंक कहती है मेरे पास है ही नहीं, नोट तुमने बंद कर दिया 2000 का, गरीब आदमी मालूम मेरे पास 5 नोट हैं 2000 के, मैं लाइन में लगा रहा, बाद में कहा जी खजाना खत्म हो गया नोट नहीं है, वो आज भी 5 नोट 2000 के जिनको मैंने फाड़ के फेंक। चुनावी बॉन्ड के मामले, चुनावी बॉन्ड का तो सुना होगा आपने, हाँ, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जो चंदे गुप्त चंदे दिए जा रहे थे, हाँ जी, वो मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था, इसी बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की शराब नीति मामले में गिरफ्तारी होती है, होती कैसे है? देखते हैं, देखो गिरफ्तार तो उसको किया जा रहा है, अब उसकी भी जमानत जब इसकी हो गई या उसकी भी हो जाएगी, क्यों नहीं होगी उसकी जमानत, होगी, वो अनपढ़ आदमी नहीं है, पढ़ा लिखा है, केजरीवाल पढ़ा लिखा है, वो तो कहता है मुल्क का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, कौन से ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई प्रधानमंत्री जो अनपढ़ है, कोई बता दो एक आदमी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री में जो नरेंद्र मोदी, वो भी तो पढ़े लिखे, कहाँ पढ़े लिखे हैं, किसने कह दिया, छड़ी बात का अपना सर्टिफिकेट दिखा दे ना, अपना पढ़ा लिखा है,
अमित शाह है, पढ़ा लिखा है तो दिखा दे, क्यों नहीं दिखा रहा है कोर्ट में? नकली तो बन जाएंगे, नकली जितने मर्जी बनवा लो आप, सब बन जाएंगे। ये मौज ले रहे हैं, मौज, गरीब आदमी खाने को भी नहीं मिल रहा, बस इनका देखो आप जैसा भी है। बाकी तो पब्लिक है और ऊपर वाला तो तय की रहा है, अंत तो सबका होगा, सबका होना है। हाँ, कोई साथ नहीं, सिकंदर जैसे चले गए, हिटलर जैसा चला गया, फिरौन जैसे चले गए। हाँ, ये क्या चीज है, ये भी जाएगा बस। और भी युवा है यहाँ पे, संजीव सिंह के को आज बड़ी राहत मिली है, जमानत मिली है और जो है बहुत जल्द जो है रिहा हो जाएंगे, कैसे देखते हैं? सर, कानून की जीत हुई है, जिस तरीके की तानाशाही अभी आज के समय में चल रही है गवर्नमेंट की, तो उसके मुताबिक देखा जाए तो अभी ये शुरुआत है, अभी ये एक छोटी सी जीत हुई है, ऐसी जीतें बहुत सारी आने वाली है और जो है गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि जनता ही है, जनता जनार्दन होती है, इलेक्शन में ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। और संजय सिंह अभी इनको, संजय सिंह को जमानत मिली, अभी केजरीवाल को भी मिलेगी, और सारे जितने भी लीडर हैं जो बड़े बड़े इनके गलत तरीके से बंद करे हुए हैं वो सारे बाहर आने वाले हैं। क्या लगता है बदलाव होना चाहिए 2024 में? बिल्कुल सर, बदलाव होगा, क्यों नहीं होगा। आपने अभी एक बुजुर्ग का इंटरव्यू लिया है, आप देख सकते हैं कैमरामैन, आप भी ये दिखा सकते हैं उनको, ये बुजुर्ग है, इतने बुजुर्ग होने के बाद ये देखिए काम कर रहे हैं, इस उम्र में इनको पेंशन खानी चाहिए थी या इनको बैठना चाहिए था अपने घर पे, इनको काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत मतलब बहुत एजेड है मेरे हिसाब से, मैं देखूँ तो इनको 70 से प्लस ही हो रहे हैं, तो 76 मतलब मैं तो फिर भी कम बता रहा हूँ, 76 ईयर के अंदर ये अभी काम कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए हमें, अपने अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट में गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए कि जिस उम्र में गवर्नमेंट को पेंशन देके इनको पेंशन से इनके घर पे बढ़ना बैठना चाहिए था और पेंशन को बढ़ावा देना चाहिए था, उसी बिल्कुल उसके विपरीत चल रही है गवर्नमेंट, बुजुर्ग भी काम कर रहे हैं और युवा तो आप जानते हैं बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तो क्या लगता है कि अभी जो संजय सिंह की को राहत मिली है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जीत हुई है? और वही जो है, अगर न्यायालय ने जो अभी चुनाव आयोग को और केंद्र सरकार को जो नोटिस जारी किया है वीवीपैट को लेकर के जितने भी जो नागरिक है, जनता है, वो अपना वोट देते हैं, तो उसमें विश्वसनीय के लिए बढ़ाने के लिए वीवीपैट यानी पर्ची निकलना चाहिए, ये सही मानते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इनसे अगर चुनाव भी होता है लेकिन पर्ची निकलना चाहिए, वीवीपैट निकलना चाहिए। बिल्कुल, पर्ची निकले, पर्ची निकलेगा वोटर के पास आनी चाहिए, वो वोटर को मिलनी चाहिए वो पर्ची, अगर नहीं मिलेगी तो कैसे पता लगेगा कि मैं निष्पक्ष तरीके से किसी को वोट डाल रहा हूँ? अगर आज मैं बताता हूँ, अगर आप अपने ही घर पे अगर कुछ वोटिंग करते हैं और अगर हमें नहीं पता लगता हम किसको वोट डाल रहे हैं और अंदर ही अंदर आप कुछ करते रहो, अगर सवाल उठ रहा है इतना, मैं नहीं कहता कि हो रहा है, लेकिन अगर सवाल इतना उठ रहा है तो ये चीज़ ज़रूर बदलनी चाहिए, इसमें ये चीज़ें चेंज आना चाहिए, मशीन में बैलेट पेपर आना चाहिए। तो क्या लगता है देश में महंगाई बेरोजगारी? बिल्कुल सर, आप खुद ही देख लीजिए सर, आज क्या समय है, आज देख लीजिए सर, तेल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल, मैं पेट्रोल से आने की सोच रहा था, यहाँ पे किसी काम से आया हूँ, पेट्रोल की बाइक है मेरे पास, मैं बाइक से आने की सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने वही सोचा कि मेरा 80 रुपये तो वैसे ही लग जाएगा, तो मेट्रो से चल लो भाई, चाहे धक्का खाना पड़े, थोड़ा पैदल और चलना पड़ेगा, लेकिन मेरे को नहीं अफोर्ड नहीं कर पा रहा मैं अपनी मोटरसाइकिल को, हालांकि मैं प्लैटिना चला रहा हूं, जब 70 की एवरेज देने वाली मोटरसाइकिल मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं, आज का समय इतना बेकार आ चुका है और बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, और जो रुपया है ना हमारा, रुपया इतना निचला स्तर हो चुका है समय पे, मतलब कहने की कोई हद नहीं है, हर बच्चा आपको ये चीजें बता देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि युवा जो कह रहे थे कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि चरम सीमा पे है, कि वो उनकी अपनी बाइक है वो प्लैटिना है, जो काफी उसका काफी ज्यादा एवरेज वाली बाइक है, ज्यादा एवरेज देती है, उसको भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कहा गया था 2014 में बहुत हो गए महंगाई की मार आपकी बार मोदी सरकार। तो इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।